कि दिनेशी इतिहास में पहली बार हो रहा है जो इसी के रूलों के अनुसार कर्मचारियों को जो ग्रेड पे दिए जाते हैं और 30 साल के बाद उसकी रिकवरी की जाती है। हम ये कहते हैं कि आपने जो ग्रेड पे दिए, आपने इसी में पास किए, तो अब लाइब्रेरी के कर्मचारी क्यों शोषण कर रहे हो आप शोषण करना बंद कीजिए, वरना लड़ाई को हम और भयंकर तरीके से लड़ेंगे। इसको सबसे बड़ी बात, ये तो एसीपी का मुद्दा था। दूसरा मुद्दा हमारा है आरआर रूल कमेटी का। आपने सारी पोस्टें बाहर से भरने का ठेका ले रखा है। जो कर्मचारी एम्बलीव है, बिलीव है, क्वालिफाइड है, जिसने अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इतिहास में अपने खून दे के ड्यू को जो सींचा है, आज उनकी प्रमोशन आपने रोक दी है। आप ये आरआर रूल लागू करें जिससे कर्मचारियों की प्रमोशन हो सके। दोस्तों, ये हमारे पर अत्याचार करे जा रहे हैं, पर लाइब्रेरी यूटिलाइजेशन कभी झुकी नहीं है ना झुकेगी। जो ये रिकवरी कर रहे हैं, रिटायरमेंट की 10 लाख की रिकवरी कर रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं और आरआर रूल को लागू करने के लिए कहते हैं जिससे कर्मचारियों की प्रमोशन हो। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ जनता को, क्या फायदा है ड्यू प्रशासन को कि सारी सीटें बाहर से भरना देते हैं। आपके उस क्वालिफाइड कर्मचारी है, उसकी प्रमोशन क्यों नहीं कर रहे आप? क्या कारण है आपका? यही हमारे आंदोलन की रूपरेखा है दोस्तों, और इसी को आंदोलन को हम कल से लेकर हो रहा निश्चित काल के लिए हम जाने की तैयारी हुए हैं। आप इसी के अंदर हमारे आरूल लागू नहीं किया आपने, 18 महीने से कमेटी का गठन किया गया, उसके बाद भी आप लागू नहीं कर रहे। इसका मतलब आप कर्मचारियों के हितों के उपेक्षा कर रहे हो आप। हम इसका विरोध करते हैं आप, और इस आंदोलन को और तेज करेंगे हम आपके